भारत के लोह पुरुष श्रद्धेय स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती का वर्ष शुरू हो रहा है। इस मौके पर देशवासियों को, हिमाचल वासियों को शत शत बधाई। वो लौह पुरुष जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद पूरे देश के अंदर सब तरफ बिखरी हुई छोटी छोटी रियासतों को इकट्ठा करके भारत को एकात्म स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी की लड़ाई के अंदर अपना सर्वस्व जिन्होंने लगाया, ऐसे लौह पुरुष को पूरा देश श्रद्धांजलि अर्पित करता है। कांग्रेस ने एक परिवार को आगे बढ़ाने के सरदार वल्लभ भाई पटेल को हाशिए पर धकेलने का काम किया और उन्होंने जिस तरह एकात्मता के लिए काम किया, काश उनको कांग्रेस ने खुले दिल से स्वीकार किया होता तो कश्मीर की समस्या आज हमारे सामने ना होती। 1947 के बाद कबायलियों के द्वारा हमला हुआ, उस हमले को नाकाम करने के लिए सरदार ने फौजों को आगे बढ़ाया, परंतु पंडित नेहरू जी ने और ये कहकर कि मामला यूएनओ में जाएगा, यूएनओ इसको सुलझाएगा, उस युद्ध को एकतरफा युद्धबंदी की घोषणा करके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की समस्या को जन्म दिया। 10 साल पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में रन फॉर यूनिटी की शुरुआत की। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की लगाकर उनको और उनके कंट्रीब्यूशन को पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया। कल 31 तारीख को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, दीपावली का शुभ अवसर है, इसलिए रन फॉर यूनिटी अगले कल और 29 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर सेलिब्रेट करेगी। भारतीय जनता पार्टी हर मंडल के ऊपर रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम करेगी, सरदार जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करेगी और हम ऐसे लौह पुरुष के श्री चरणों में नमन करते हैं।